झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले में संलिप्तता सहित भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की है। उनके पति अभिषेक झा की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। ईडी रेड मामले में पैसों का जखीरा मिलने के बाद से ही पूजा सिंघल पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग उन्हें आईएएस पूजा सिंघल नहीं बल्कि धन कुबेर पूजा सिंघल बुला रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पूजा सिंघल आखिर कौन है? क्या यह उनके साथ जुड़ा करप्शन का कोई पहला मामला है? उनका अतीत क्या कुछ कहता है? आइए जानते हैं। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन गिरफ्तार हुई आईएएस पूजा सिंघल एक वक्त पर आईएएस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रेरणा रही हैं। कुछ दिन पहले तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए नजीर मानी जाती थी। पूजा सिंघल ने महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था और 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी बन गई थी। फिलहाल गिरफ्तार होने तक पूजा सिंघल झारखंड की खनन और भू विज्ञान विभाग की सचिव हैं। वो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की MD भी हैं। आईएएस पूजा सिंघल पर इससे पहले भी कई दफा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और ये कोई नया मामला नहीं है। साथ ही उनका निजी जीवन भी विवादों से भरा रहा है। आईएएस बनते ही पूजा सिंघल की शादी आईएएस अधिकारी रहे राहुल पुरवार से हुई। कुछ ही समय बाद दोनों ने निजी कारण बताते हुए एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके बाद पूजा सिंघल की शादी बिजनेसमैन और पल्स हॉस्पिटल के मालिक अभिषेक झा के साथ हुई। यहां उन पर अपने पति की कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे। आईएएस बनने के बाद उनको पहली पोस्टिंग झारखंड के हजारीबाग में मिली। 16 फरवरी 2009 से 14 जुलाई 2010 की अवधि के दौरान जब पूजा सिंघल खूंटी में तैनात थी तो उन्हें मनरेगा फंड से 18 करोड़ की हेराफेरी का आरोप झेलना पड़ा था। साथ ही झारखंड के कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिंह को भी संरक्षण देने का उन पर आरोप लगा था। इसके बाद जब वो चतरा की डिप्टी कमिश्नर बनी तब भी उन पर 4 करोड़ रुपए के मनरेगा फंड की हेराफेरी करने का आरोप लगा। पूजा सिंघल को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार बीते शुक्रवार से ही लटकना शुरू हो गई थी। दरअसल झारखंड में 2009 से 2010 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे के टारगेट थे। झारखंड की उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। शुक्रवार को पूरे दिन ये छापेमारी चली और रात तक चलती रही। इसी छापेमारी के दौरान ईडी ने 19 करोड़ 31 लाख रुपए का कैश बरामद किया। इसमें 17 करोड़ रुपए पूजा सिंघल के सीए के आवास से बरामद किए गए, बाकी रुपए कंपनी से मिले। इसके अलावा पूजा सिंघल के आवास से कई अहम सबूत और दस्तावेज भी मिले जिनकी जांच चल रही है। आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर छापेमारी हुई थी तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल में छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान मिले कैश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। जिन अहम दस्तावेजों का हमने जिक्र किया है उसमें करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात, कई फ्लैट में निवेश के कागजात शामिल हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। इस पूरी छापेमार कार्रवाई के तार दरअसल उस दौर से जुड़े हैं जब 2007 से 2010 के बीच आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में कलेक्टर रही थी। बताया जा रहा है कि उसी दौरान मनरेगा में 18 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी हुई, 16 FIR दर्ज की गई और गिरफ्तारियां हुई। बंगाल से एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद सिंह की हुई जो खूंटी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ में पहली दफा आईएएस पूजा सिंघल और कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए थे। आईएएस पूजा सिंघल और उनके साथ जुड़ी भ्रष्टाचार की कहानियां तो कई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन आरोपों से घिरे रहने के बावजूद पूजा सिंघल के हर सरकार के साथ अच्छे संबंध रहे और वह अपने लिए मनचाहा पद हासिल करने में सक्षम रही। बीजेपी की रघुवर दास सरकार में वो कृषि विभाग की सचिव थीं, तो हेमंत सरकार में खदान उद्योग और JSMDC के अध्यक्ष के पद पर आसीन। फिलहाल पूछताछ के बाद आज उनकी गिरफ्तारी हुई है
और अब बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल को मेडिकल जांच के बाद ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां ईडी के अधिकारी उन्हें रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से आग्रह करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।